आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, तो आज की मुरली है स्वमान और फरमान, 14 मई 77 की मुरली है। इस मुरली में बाबा ने श्रेष्ठ भाग्यशाली किसे कहते हैं? स्वमान में स्थित होना, स्वमान में स्थित होने के फायदे और फरमान में स्थित होने के फायदे इस बारे में कहा है। साथ ही साथ महावीर बनना, महावीर क्या कर सकते हैं? तो एकादर्शीपन की स्थिति, अच्छा सदा अचल अटल रहने के लिए क्या करना है? भाग्यशाली सदा एकाग्र स्थिति और मास्टर नॉलेजफुल किसे कहते हैं? इस बारे में क्लियर कट बाबा ने डेफिनेशन दिए है। अभी हम बच्चों को उर्ली सुनते वक्त ये दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा की जो चाहना है, बाप जैसा बनना ही है, तो ये सारे गुण हम में आ जाए। ऐसे दृढ़ संकल्प करके आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है स्वमान और फरमान, 14 मई 77 की मुरली है। सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा सदा स्वमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमिरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो। हर बार की तरह बाबा ने प्रश्न पूछा है कि हमें भाग्य विधाता बाबा द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुए हैं उसको सुमिरन कर हर्षित हम रहते हैं क्या? आगे बाबा कहते हैं, क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। जो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। तो बाबा ने हमें एक नई दृष्टि दी है कि अगर मैं सब बच्चों को, मेरा लास्ट बच्चा भी भाग्यशाली है, इसे बाबा कहते हैं, तो जैसे बाबा समझते हैं हम श्रेष्ठ भाग्यशाली है, वैसे हम स्वयं को समझते हैं क्या? बाबा ने आत्मा के ऊपर का निश्चय पक्का किया है और बाबा आगे कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। यानी बाबा की नजर से जैसे हम श्रेष्ठ भाग्यशाली है, वैसे ही हमें समझना है, यानी स्वमान में स्थित होना है। आगे बाबा कहते हैं, मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो। साथ ही साथ मन में संकल्प से, वचन यानी बोल से, और कर्म इसे इसमें ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट लाइन, साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। जितना स्वमान में रहना है, उतना अन्य आत्माओं को भी सम्मान देना है। आगे, स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। विघ्न विनाशक स्थिति से क्या फायदा होता है, इस बारे में बाबा ने आगे कहा है, स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। जो बाबा की महिमा वही हम बच्चों की महिमा है, यानी स्वमान है।
सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। अगर यह अभिमान हमारे में है तो हमें हम पर विघ्नों का असर होगा, लेकिन हम इसमें अगर डिटैच है, ये हमारे पास नहीं है, तो हमारी स्थिति सदा विघ्न विनाशक होगी। तो आगे बाबा कहते हैं, ऐसे स्वमान में स्थित होने वाले सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण, इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। इससे इम्पोर्टेंट लाइन, सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। यह अनादि नियम है। क्या नियम है? कि मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान। तो यह बाबा प्रकृति यानी हमारे शरीर के बारे में कह रहे हैं। पुरुष यानी कि आत्मा, प्रकृति यानी शरीर, यानी शरीर की हर कर्म इंद्रिया हमारी दासी होगी। कहा यहाँ संगम पर, और आगे जाके रियल वाली प्रकृति हमारी दासी होगी। तो बाबा कहते हैं, फिर से पढ़ती हूँ ये लाइन, सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान, सॉरी, प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकारी के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट लाइन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल फैमिली, रॉयल राजाई फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। तो सारे कल्प में हमें कैसे मान प्राप्त होता है, इस बारे में बाबा ने क्लियर किया है। आगे बाबा कहते हैं, इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। ये बाबा ने चेकिंग पॉइंट दी है, और अपना अपने आप स्वयं का चिंतन करना है। हमें ऐसा बनना ही है जैसे लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्पों में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? सारे कल्प में जो मान मिलने वाला है उसका आधार है, इम्पोर्टेंट लाइन, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। जो बाबा हमेशा कहते हैं, नाम मान शान से दूर रहो। तो इम्पोर्टेंट लाइन, अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग, अर्थात स्वमान में स्थित हो, निर्माण निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। हर आत्मा को सम्मान देना है, यानी उन्हें उमंग उत्साह में लाकर आगे करना है। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, अल्पकाल के सहयोग देने से होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन,
यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना वह स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है। तो हमारे पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? औरों को उमंग उत्साह मिलाकर आगे करना है। तो सबसे पहला ये हमारा अव्यक्त मूल्य क्लब, इसका बहुत प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल है, जो हर एक को चांस देते हैं और उमंग उत्साह भरते हैं। तो इसका सबसे पहले थैंक्स, बाबा का थैंक्स, रामा का थैंक्स। आगे बाबा कहते हैं, ये लाइन आप फिर से एक बार पढ़ती हूँ, यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना वह स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है, इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों दोनों बनते हो। कौन सा कर्म? और अन्य आत्माओं को उमंग उत्साह में ला के आगे करना। तो इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्यात्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हो? सम्मान दो, वह सम्मान मिलना चाहिए। वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता है? लेने वाले हो या देने वाले हो? बाबा ने पूछा है, सम्मान लेने वाले हो या देने वाले हो? यह भी लेने की भावना रॉयल बेगरपन अर्थात चल है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, हर कदम फरमान पर चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया बार बार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने कारण माया भी झटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार वार करती है और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, माया आ गई, ये चिल्लाना हुआ है। तो आगे बाबा कहते हैं, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करे? माया को अर्थात विघ्नों को कैसे आप पर, आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। इम्पोर्टेंट लाइन, आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना, स्वमान और फरमान सहज है ना। आगे बाबा ने कहा था स्वमान और सम्मान, और अब कहते हैं स्वमान और फरमान सहज है ना। इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहयोगी, इम्पोर्टेंट लाइन, अभी सहयोगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसी सहज जीवन बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान
कुर्बान होने वाली आत्माएं सदा सर्व के प्रति सम्मान दे। स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। पांडव सेना, आगे बाबा कहते हैं, पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा माया जीत। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन, परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, बाबा ने पूछा है, परखने की शक्ति आई है। माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, व जब माया वार करने शुरू करती तब परखते हो। बाबा ने पूछा, दूर से परखते हो या माया का वार शुरू होने के बाद परखते हो? तो आगे बाबा कहते हैं, जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। जो बाबा ने पहले वक्त मूल्य में कहा था कि टाइम, समय और संकल्प को, खजाने को वेस्ट नहीं करना है, बचाना है। तो बाबा कहते हैं कि जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता, फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। आजकल के जमाने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले या तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जो अभी वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं, वो तूफान का पहले से ही इशारा दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये इन्वेंशन हमारी है, तो हमें भी हमारे मूल स्वरूप को, यानी परखने की शक्ति को भी जगाना है, इमर्ज करना है। तो आगे बाबा कहते हैं, जब साइंस भी आगे बढ़ रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए? दूर से भगाने के लिए, इम्पोर्टेंट लाइन, दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो। हर बात को तीनों कालों से देखो, क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें? क्योंकि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। जो कल्प पहले ये बात आई थी, माया आई, तो हमने कैसे विजय प्राप्त की है, इसका हमें त्रिकाल दर्शीपन में स्थित होके विचार करना है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। इम्पोर्टेंट लाइन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जो गायन है, अति इति इम्पोर्टेंट लाइन, अति इंद्रिय सुख संगम युग का वरदान है। यह और किसी युग में नहीं होता, यह अब का अनुभव है। तो अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? जो ब्राह्मणपन की विशेषता है, अति इंद्रिय सुख वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं।
इसी कारण सदैव यह देखो कि इम्पोर्टेंट लाइन सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। चेकिंग पॉइंट दी ये बाबानी कि हम तो योग करते हुए हमें यह अनुभव होता है कि अति इंद्रिय सुख का, लेकिन बाबा ने इसमें एक शब्द ऐड किया है सदा, सदा अति इंद्रिय सुख में रहते हो। आगे बाप दादा से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर दिया है, अति इंद्रिय सुख में रहने वाला कभी, इम्पोर्टेंट लाइन, अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। देखो दिवाली के टाइम ये बहुत अच्छा वाक्य सुनने को मिला है। दिवाली में होता है ना, यहाँ सेल है, वहां सेल है, ये ड्रेस अच्छी है, वो ड्रेस अच्छी है, ये खाए बनाए, ये खाए। तो बाबा ने ये इम्पोर्टेंट लाइन दी है, अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है, इसी रीति से अति इंद्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुखों को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। सावधानी दी है, अति इंद्रियों को सुखों को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? बाबा ने पूछा है, जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? ऐसे इंद्रियों के सुख से सदा परे रहेंगे। इम्पोर्टेंट लाइन, इंद्रियों के सुख से सदा परे रहेंगे कौन? जो अतींद्रिय सुख में रहने वाले हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख के तरफ आकर्षित होते, इससे सिद्ध है कि अतींद्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं, इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं, जिज्ञासु है बच्चा नहीं, बच्चा अर्थात अधिकारी। इम्पोर्टेंट लाइन, बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। तो बाबा ने आगे जो कहा था, इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं, तो इस इच्छा किसे होगी? जो जिज्ञासु होगा, और प्राप्ति किसे होगी? जो बच्चा होगा, बच्चा अर्थात अधिकारी। इम्पोर्टेंट लाइन, बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। प्राप्त तो हो, यह इच्छा नहीं लेकिन प्राप्त है। इम्पोर्टेंट लाइन, लेकिन प्राप्त है इस अधिकार की खुशी में रहने वाले। सदा इस अति इंद्रिय सुख में रहो। इंद्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से कर रहे हो? उससे प्राप्ति का भी ज्ञान है ना, क्या प्राप्त हुआ, कमाया और गवाया। जब इंद्रियों के सुख के लिए हम अल्पकाल की कमाई करते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मिक, हमारे गुण है, शक्तियां है, उसे प्राप्त है क्योंकि हम देह अभिमान से, तो फिर अभी भी उस तरफ क्यों होते? अति इंद्रिय सुख की प्रकाश में अभी भी थोड़ा है, यह अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इसका सौदा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ संगम युग का गायन है, अति इंद्रिय सुख। फिर बाबा कहते हैं, फिर भी सोचते रहते, छोड़े नहीं छोड़े। बाप कहते हैं, छोड़ो तो छूटे, कहते हैं छूटता नहीं। पक्षियों को बारे में कहा जाता है कि अपने पैरों से टाली को पकड़ते हैं और कहते हैं छूट नहीं सकता, मैं उड़ नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, छोड़ो तो छूटे, कहते हैं छूटता नहीं है, पकड़ा खुद है और कहते हैं छूटता नहीं है। रास्ता तो आप हो,
इम्पोर्टेंट लाइन, रास्ता तो आप हो, जैसे बाबा क्रिएटर है वैसे हम भी मास्टर क्रिएटर है। तो इम्पोर्टेंट लाइन, रास्ता तो आप हो ना, बार बार ठोकर मत खाओ। दूसरा प्रश्न है, सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? बाबा का उत्तर है, सदा गुणग्राहक बनो। इसका बहुत अच्छा ही विश्लेषण बाबा ने किया है। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। सिर्फ अन्यात्माओं में गुण देखना ऐसे बाबा नहीं कहते, अभी बाबा कहते अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि जैसे यह इम्पोर्टेंट, जैसे यह अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुणों में दृढ़ रहे। अगर ढेर सारे अवगुण है फिर भी वो आत्मा उस अवगुण में दृढ़ है वैसे हम गुण में दृढ़ रहे, ये हमें तय करना है, दृढ़ संकल्प करना है। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। तीसरा प्रश्न, कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? कौन सा भोजन आत्मा को सदा शक्तिशाली बना देगा? तो बाबा का उत्तर है, खुशी का। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को, इम्पोर्टेंट लाइन, ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। बाबा ने इसमें ड्रामा को ढाल कहा है। अगर माया वार करती है तो हमें ड्रामा की ढाल का उपयोग करना चाहिए और इसी तरह सदा खुशी में रहना चाहिए। इसके लिए भी त्रिकालदर्शीपन की स्थिति आवश्यक है। अगर हम त्रिकालदर्शी होंगे तो ड्रामा के पटरी के ऊपर अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, अगर सदा ड्रामा ही स्मृति स्मृति में रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं। बाबा ने क्लियर किया है, सदा खुश रहना ये नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज की पॉइंट हमें बुद्धि रूपी बर्तन में चाहिए। तो बाबा आगे कहते हैं, कोई भी दृश्य हो, कल की मुरली में बाबा ने बुद्धि को पीतावृता भी कहा है, अगर पीतावृता बुद्धि होगी। तो बाबा कहते हैं, सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आना, यानी मधुबन या बाबा का घर, सेंटर, गीता पाठशाला, जहां हम आत्मिक स्थिति में सीधे होकर बाबा की मुरली पढ़ते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आना अर्थात भाग्यशाली बनना। इसी भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा अटेंशन, स्थिति सदा एकरस है। एकरस स्थिति अर्थात इम्पोर्टेंट लाइन, स्थिति सदा एकरस रहे। एकरस स्थिति अर्थात एक ही रस में रहना और कोई भी रस अपने तरफ खींचे नहीं। अगर किसी अन्य रस में बुद्धि जाती है तो एकरस नहीं रह सकते। बाप के समान स्वयं को नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा है, बाप समान हम स्वयं को ज्ञान का सागर अनुभव करते हैं? नॉलेजफुल अर्थात इम्पोर्टेंट लाइन, नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले, व्यर्थ नहीं करेंगे। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सतयुग स्थापन करते हैं, तो कर्म भी सत्य होने चाहिए। इम्पोर्टेंट लाइन, कर्म भी सत्य होने चाहिए। बोल, कर्म, संकल्प सब सत्य होने चाहिए।
इसको कहते हैं बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। हम सातों गुणों में स्थित होके अगर संकल्प करते हैं, बोल रखते हैं और कर्म करते हैं तो हम बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप है। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट में शांति में बैठेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं यहाँ पे। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हम बच्चों को सम्मान में रहने के लिए कहा है कि हम सम्मान में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि यदि हम सम्मान में रहेंगे तो हम माननीय पूजनीय बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं का मान और पूजनीय, हमें मान मिलेगा सम्मान में रहने से। तो बाबा ने कहा है कि आधा कल्प रॉयल फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान मिलेगा और आधा कल्प भक्तों द्वारा मान मिलेगा। फिर बाबा ने कहा स्वमान में रहने से अभिमान खत्म होगा, निर्मांचित रहेंगे। तो इससे हमारा मान जो हम त्याग करेंगे, मान का विनाशी मान का त्याग करने से बाबा कहते स्वर्ग के माननीय बन जाएंगे। और स्वमान में स्थित होने से बाबा ने कहा है कि तो हम किसी को उमंग उत्साह दिलाते हैं सदा के लिए। छोटे मोटे हम पुण्य कर्म करते हैं बाबा कहते उसका भी फल मिलता है, लेकिन सदा उमंग उत्साह में रहने का, जो हम ये कर्म करते हैं, ये पुण्य कर्म करते हैं बाबा कहते हैं ये फिर इसलिए उसका सदा काल के लिए हमें वो हमें पूजनीय और माननीय बना देता है। तो आगे फिर बाबा ने कहा फरमान पर चले, तो फरमान पर चलेंगे तो माया अपने आप सरेंडर कर देगी। उसके लिए भी बाबा ने कहा कि हम सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा ने तीन बातें कही हैं, सम्मान सम्मान देना है सभी को, अपने प्रति सम्मान, दूसरों प्रति सम्मान, और फरमान को पालन करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बोले कि मान का त्याग करने से मैं आत्मा सर्व की माननीय बनती हूँ। तो मुझे एक तो स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है और बाप का फरमान वरदान वरदार बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि मुझ आत्मा को परखने की शक्ति से परिपूर्ण होना है। त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ और कल कल की विजयी आत्मा हूँ। तूफान आने से पहले, माया आने से पहले ही मुझे उसे परख कर उस पर विजय प्राप्त करनी है। और बाबा ने अति इंद्रिय सुख के लिए बताया कि अल्पकाल के इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना है। मुझे यह समझना है कि मैं पहले ही भरपूर हूँ। जब मैं बाबा का बच्चा बन गई तो मैं हर सुख से, हर प्राप्ति से भरपूर हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा है कि जब आप बाप पर कुर्बान हो जाएंगे तो माया आप पर कुर्बान हो जाएगी, और फरमान पर चलेंगे तो समान और फरमान सहज हो जाए।
इसको इसे में हमें जन्म जन्मांतर से हमारी जो मुश्किलें आती है वो छूट जाएगी। और बाबा कहते हैं सहज योगी और भविष्य में सहज योगी सहज जीवन होगी तो हमें सहज जीवन बना सकेंगे। और बाबा कहते हैं कि पांडव सेना जो युद्ध पर रहती है उसे पांडवों को बाबा ने महावीर कहा। महावीर का अर्थ है यानी हर समय माया जीत बनना, माया से हार नहीं खाना। तो बाबा कहते हैं कि महावीर कभी माया से घबराते नहीं है, उन्हें चैलेंज करते। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा बोला कि संगम युग का वरदान है अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना। अगर हम बार बार माया से बात करते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्राह्मण पन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना, इसमें हम वंचित हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा हम बाबा का कुर्बान चाहेगी तो माया हमको कुर्बान चाहेगी। तो इसके लिए हम कदम हर कदम बाबा का फरमान पर चलने से माया वार से हम बच जाएंगे। फिर इसके लिए तो स्वतः हम कृपालुदर्शी स्थिति पर स्थित रहकर नॉलेजफुल बनकर माया को भगाने से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा सदा जो भाग्य विधाता है वो हमें श्रेष्ठ भाग्यशाली बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि संगम युग पे आप श्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हो, क्या ऐसा स्वयं को समझते हो? इसी को कहते हैं बाबा कि स्वमान में स्थित रहना। स्वमान में स्थित रहने से बाबा कहते हैं अभिमान नहीं होता, क्योंकि एक होता स्वमान एक होता अभिमान। तो स्वमान अर्थात सदा विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, क्योंकि हमारा स्वमान जो होता है हम उसी में स्थित रहते हैं। तो किसी प्रकार का अभिमान, देह का, बुद्धि का, नाम का, सेवा का अभिमान, मैंने ये किया, मेरे विशेष गुण हैं, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जब ये स्वमान, ये सारे अभिमान समाप्त हो जाते हैं तो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि उस अगर स्वमान में रहते हो तो सदा निर्माण रहते हैं, निर्माण रहेंगे तो रहम दिल रहेंगे। फिर हर आत्मा के गुण देखते हैं तो गुण देखने से गुणग्राही होते हैं, तो उससे भी फिर विघ्न नहीं आते हैं, सदा अचल अडोल स्थिति रहती है। तो रोज हमें बाबा वरदान और मुरली में स्वमान देते हैं, तो अगर हम डेली उस दिन की मुरली से स्वमान निकाल के और प्रैक्टिस करें तो हम पूरे दिन अच्छा अपना पुरुषार्थ तीव्र कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बोला कि एक होता है कर्मेंद्रियों का सुख। जब मैं आत्मा इस देह को धारण करती हूँ और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो सुख ग्रहण करती हूँ, कर्मेंद्रिय मतलब कुछ अच्छा खाया तो जीभ को अच्छा लगा, कुछ देखा तो आंखों को अच्छा लगा, ये हो गया कर्मेंद्रियों का सुख। लेकिन आत्मा का सुख हमेशा, आत्मा जब अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और परमात्मा से सही रूप में लिंक जोड़ लेती है तो उससे जो सुख प्राप्त होता है उसे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होना कहा जाता है। तो जैसे शरीर का सुख होता है वो कर्मेंद्रियों का सुख नश्वर चीजों से प्राप्त होता है, लेकिन जैसे आत्मा जो हमारा अविनाशी है और वो अविनाशी पिता से जब लिंक जोड़ लेती है तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो एक बार जिसको सही रूप से ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है तो स्वतः ही उससे कर्मेंद्रिय का सुख धीमे धीमे खत्म होने लगता है। जो बाबा कहते हैं वह बच्चे बार बार अशरीरी हो जाओ और उससे लिंक जोड़ो। अगर अशरीरी होने का अभ्यास हो जाएगा, परमानंद का अनुभव हम कर लेंगे ना, तो जो जो बाबा ने बताया ना, हम सुमान में भी स्थित हो जाएंगे, फरमान स्वतः ही हम पालन करेंगे, हमारे अंदर निर्माणता का जाएगी। ओम शांति। आज बाबा ने सोमान और नहीं मान का बताया कि मान कैसे मिलता है, इसका अनादि नियम क्या है। बाबा ने कहा है कि स्वर द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से और सोमान में रहने से
अपने आप ही मान मिलता है, और प्रकृति भी दासी के समान है, समान सम्मान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें आज अलर्ट किया कि जैसे साइंस के साधन पहले ही परख लेते हैं कि तूफान आने वाला है, इशारे मिल जाते हैं, तो ऐसे अब हमें भी इशारे मिल रहे हैं। साइलेंस की शक्ति के द्वारा हमने भी अपनी ऐसे ही प्रोटेक्शन करनी है, और हमें भी मालूम पड़ जाएगा कि इस समय ये वार होने वाला है। तो ऐसे त्रिकालदशीपन की स्थिति में स्थित रहकर हमें हार खिलाने वाले कि हम निमित्त नहीं बनेंगे, मीन्स हम हार नहीं खाएंगे और माया से बच जाएंगे। ओम शांति। मैं बोलू? ओम शांति। ठीक है, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। हाँ, बाबा ने कहा है, स्वतः स्वमान में रहेंगे तो माया दूर से पहचान सके सकेंगे, तो इसके लिए सदा स्वमान में रहना और सम्मान देना, और माया आए तो अचल अटल रहेंगे तो माया को पहचान सकेंगे, महावीर बनेंगे तो माया को पहचान सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो समय भी हुआ है, तो अभी पोल लॉन्च करेंगे तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उज्ज्वला बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे आज की मुरली से। ओम शांति। उज्ज्वला बहन जी हम सबको योग करा सकते हैं, होमवर्क दे दीजिए। ओम शांति। आज के मुरली से होमवर्क है, हम हर कर्म करते हुए संकल्प से, हम संकल्प से स्ट्रिक करेंगे कि मेरे संकल्प बाप समान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होके करने वाली मैं आत्मा हूँ। और फिर हर बोल, हर कर्म, क्योंकि हम चेकिंग करेंगे, हर कर्म श्रीमद् प्रमाण हो, इसके लिए फरमान बरदार रहेंगे। पर अभी हम सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से वरदान लेके, बाबा से कंबाइंड होके सुमानों का अभ्यास करेंगे। आत्मा इस शरीर से डिटैच हो, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने मैं आत्मा बाबा के हर श्रीमत पर चलने वाली सदा फरमान बरदार आत्मा हूं। मैं आत्मा श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। मन वचन कर्म तीनों में स्वमान में स्थित होके हर कर्म करने वाली मैं स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा हूं। सर्व सर्व के संपर्क में आने वाली, सर्व को सम्मान देने वाली मैं सम्मान मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा विघ्न विनाशक हूं। मैं आत्मा
सर्व को सम्मान देकर उमंग उल्लास मिलाने वाली उमंग उल्लास से भरपूर आत्मा हूं। मैं आत्मा महावीर आत्मा हूँ। माया से दूर से भड़क कर माया से विजयी बनाने वाली माया से विजयी बनने वाले आत्मा हूँ। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी सीट पर सीट होकर माया को दूर से ही भगाने वाली सदा विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाली अल्पकाल के इंद्रियों के सुख से दूर रहने वाली सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा अचल अडोल रहने वाली गुणग्राहक आत्मा हूँ, अवगुणों में भी गुण देखने वाली गुणग्राही आत्मा हूँ। मैं आत्मा ड्रामा की ढाल से माया के वार से बचने वाली सदा खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं आत्मा मधुबन निवासी आत्मा हूँ, सदा एकरस स्थिति में स्थित होके बाबा से सर्व सुखों का अनुभव करने वाली सर्व रसों का अनुभव करने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर बोल कर्म संकल्प सत्य करने वाली मास्टर नॉलेजफुल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा साकार वतन में साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा। थैंक यू। ओम शांति। सभी थैंक्स। हैव अ गुड डे। शुक्रिया। ओम शांति शांति। बाबा का शुक्रिया। गुड डे। ओम शांति।